कुमार गौतम है। आज किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हम लोग ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 13 पॉइंट रोस्टर का डिसीजन आया, हम लोग उस डिसीजन को नहीं मानते हैं, उसके विरोध में आज हम लोग आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को बंद करवा रहे हैं। और हम लोग की मांग है, पुरानी जो व्यवस्था थी, सरकार उस अध्यादेश लाए और 200 पॉइंट रोस्टर को तत्काल लागू करे। आरक्षण के खिलवाड़ के बंद करके क्या मांग रही है जी? आरक्षण के खिलवाड़ के संदर्भ हम ये कहना चाहते हैं, हम जो 85 का नारा है, उस 85 के अधिकार के लिए हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। हम लोग को 85 का अधिकार चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस फार्मूले पे हम लोग चल रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि मोदी सरकार, प्रकाश जावड़ेकर जी, हम लोग को तुरंत अध्यादेश लाए और दोनों सदनों से अध्यादेश लाकर हम लोग को 200 पॉइंट रोस्टर को तत्काल लागू करें, उसको तत्काल प्रभावित करें। आज आपने क्या किया है? आज हम लोगों ने सारे फैकल्टीज में घूम घूम के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को बंद कराया, चाहे वो मानविकी संकाय हो, चाहे समाज विज्ञान हो, चाहे वाणिज्य संकाय हो, सारे विभागों को आज हम लोगों ने बंद कराया। चूंकि अब विभागों को एक यूनिट मान लिया गया, 13 पॉइंट रोस्टर में विभागों को एक यूनिट मान लिया गया है, जिसमें कि अब ऊपर से जो भी पद आएंगे उसमें 3 पद सामान्य श्रेणी में जाएगा, उसके बाद 4th पद OBC में आएगा और 7th पद SC में आएगा, जिसके संदर्भ में अगर डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाता है तो सिर्फ डिपार्टमेंटों में 1, 2, या 3 पद ही आते हैं जो सामान्य श्रेणी में चले जाते हैं, जिसके संदर्भ में हम SC OBC और ST को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और कहीं भी हम लोग रोजी रोजगार के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे या उसके भागीदार नहीं बन पाएंगे। और ये सरासर जो कि सरकार की चाल है, क्योंकि माननीय UGC ने ही पहला जो कि रिट दाखिल किया था और UGC ने ही सारे नियम पहले लाए थे, फिर चोरी से ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन दिलवा देते हैं।